भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिवीर सिंह लवली एवं मीडिया प्रभारी विकास शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि कुछ छुटभैया कांग्रेस नेता आए दिन मीडिया में बयानबाजी करके सांसद अनुराग ठाकुर को रेलवे एवं अन्य मुद्दों पर कोस रहे हैं, जिसका युवा मोर्चा निंदा करता है। उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश को सांसद अनुराग ठाकुर पर नाज है और कांग्रेसियों की तथ्यहीन बयानबाजियों से सांसद का विजय एवं विकास रथ रुकने वाला नहीं है। वाजुमा ने कहा कि अनुराग ठाकुर पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता सहित सभी भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को गर्व है। उन्होंने कहा कि वाजुमा छुटभैया कांग्रेसी नेताओं को खुले मंच पर बहस की चुनौती देता है, ताकि सांसद द्वारा करवाए गए कार्यों के तथ्यों सहित उन्हें जनता के समक्ष अवगत करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों का यह बयान काफी हास्यप्रद है कि अनुराग ठाकुर ने अपने कार्यकाल में संसदीय क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर केंद्र की मोदी सरकार से कई योजनाएं एवं बजट स्वीकृत करवा चुके हैं। हालांकि पूर्व यूपीए सरकार के समय में सांसद के द्वारा करवाए जा रहे कार्यों में अड़ंगा डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य, खेल एवं अन्य क्षेत्रों में अपनी निजी प्रयासों से लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सांसद स्टार खेल महाकुंभ अनुराग ठाकुर का निजी कार्यक्रम है, जो कि युवाओं के लिए मिसाल है। इसमें कई प्रतिभाएं ग्रामीण स्तर से उभर कर सामने आई हैं एवं लाखों रुपए के इनाम युवाओं को वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा में अभी तक हजारों लोगों को लाभ प्रदान किया जा चुका है। यह भी सांसद द्वारा निजी तौर पर करवाया जा रहा कार्यक्रम है। साथ ही पूरे भारत में मात्र अनुराग ठाकुर अकेले सांसद हैं जिन्होंने इस प्रकार की योजना को अमलीजामा पहनाया है। उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए हमीरपुर का सपना सांसद शीघ्र ही पूरा करेंगे। कांग्रेस के लोगों को इस चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सांसद स्वयं जोर शोर से विकास कार्यों को करवाने में जुटे हुए हैं और केंद्र की मोदी सरकार के समर्थन में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। भाजुमो ने कहा कि कुछ लोग महज दरियां व कंबल बांटकर युवाओं को नशे में धकेल रहे हैं, जबकि सांसद अनुराग ठाकुर ने युवाओं को खेल महाकुंभ एवं लोगों को मोबाइल स्वास्थ्य सेवा का लाभ देकर अपनी वचनबद्धता को प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के दम पर ही संसद में हैट्रिक लगा चुके हैं और आगामी लोकसभा में भी जीतकर चौका लगाकर कांग्रेस के हर सवाल का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि छुटभैया कांग्रेस नेताओं का ये कहना काफी बचकाना लगता है कि सांसद अनुराग ठाकुर भाजपा के अन्य नेताओं की तरह जुमलेबाजी से ही काम चला रहे हैं और खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि सांसद को अपनी पीठ थपथपाने का शौक नहीं है, बल्कि स्वयं केंद्र सरकार के मंत्री एवं प्रधानमंत्री समय समय पर अनुराग ठाकुर की कार्यकुशलता और जनता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए बड़े बड़े मंचों में पीठ थपथपा जाते हैं। ये तो हमें काफी हास्यास्पद लग रहा है, जिस तरह से कांग्रेस के कुछ छूट भैया नेता बयानबाजी कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के लिए कितना कुछ किया है। आपके सामने एम्स हॉस्पिटल बिलासपुर में खुलवाया उन्होंने, कैंसर का हॉस्पिटल ऊना में खुलवाया उन्होंने, हमीरपुर के लिए मेडिकल कॉलेज उनकी देन है, बाकी अनगिनत कई काम हैं जो उन्होंने संसदीय क्षेत्र के लिए किए हैं। इस तरह से बयानबाजी करके कोई उनका विजय रथ नहीं रोक सकते हैं, वो इसी तरह काम करते रहेंगे और करते आ रहे हैं, और हम तो यही आशा करते हैं कि वो चौथी बार जीतकर इस संसदीय क्षेत्र को भारत के नक्शे पर लेके आएंगे। आप भली भांति जानते हैं कि अनुराग ठाकुर जी एक बहुत बड़े नेता हैं, जो हिमाचल ही नहीं पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध हैं। खेलों में उन्होंने हिमाचल के युवाओं को काफी आगे तक पहुंचाया है। ऋषि धवन हमारे मंडी से हैं, जो बाहर आईपीएल और क्रिकेट में इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। हमारी यहाँ की एक युवती हिमाचल की इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। तो इस तरह से कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो अनुराग जी के प्रयासों से इंटरनेशनल लेवल तक खेले हैं। यहाँ खेल महाकुंभ उनकी देन है, जिसे काफी युवाओं को खेलों के जरिए आगे आने का मौका मिला है, नशे से दूर रहने का मौका मिला है। मोबाइल स्वास्थ्य सेवा अनुराग जी ने शुरू की है, जिससे कई किसी तरह के लोग जो हॉस्पिटल तक आने में असमर्थ थे, उनको अपने गांव में, अपनी पंचायत में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं। अनुराग जी, मैं तो कहता हूं कि वो इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतकर संसद में जाएंगे।